वाइटीमेंस की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, शादी के दिनों में इतनी ज्यादा तैयारियों में हम लोग फंस के रह जाते हैं कि इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें अपने हनीमून को कहां पे जाके सेलिब्रेट करना चाहिए। और दोस्तों, हनीमून हमारी शादी जैसे ही इतनी सुंदर यादगार को संजोए रखने वाले पल को लेकर के आता है, जिसको हमें अच्छी तरह से पहले से ही प्री डिसाइड करके रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लेट कर दी है और आप अभी तक अपनी हनीमून डेस्टिनेशन को फाइनल नहीं कर पाए हैं, तो वाईटी भारत चैनल पर मैं आपको आज हेल्प करने वाला हूं। इंडिया के टॉप 5 हनीमून डेस्टिनेशन बताऊंगा, जिसमें से आप एक पर जाकर के अपने इस सबसे जिंदगी के यादगार पलों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू कर देते हैं इंडिया के टॉप 5 हनीमून डेस्टिनेशन का वीडियो। और हां दोस्तों, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है रेड रंग का, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाओ, ऑल को सेलेक्ट करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मुझे बूस्ट मिलता है इसी तरह के आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में, और मेरे पीछे आप प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, एक एक करके सारी जानकारी आपको देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है गोवा। हनीमून स्टाइल देख लेते हैं, क्या होता है गोवा में हनीमून स्टाइल। गोवा किसी परिचय का तो सबसे पहले मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि हनीमून डेस्टिनेशन में गोवा लगभग नंबर 1 पर आता है। हनीमून कपल्स के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। वहां पर सब कुछ है जो आपके हनीमून को बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करने में आपको हेल्प करेगा। शांत बीचेस हैं, शांत काल, शानदार पुर्तगाली आर्किटेक्चर है, जोश भर देने वाली फैनी, बेरोक टोक नाइट लाइफ और स्वादिष्ट मसालेदार विंडालू जैसी चीज का आप इंजॉय कर सकते हैं। यही है आपके गोवा, सामने नीला समंदर, उसके पीछे जगमगाता सूरज। गोवा में ऐसा सब कुछ है जो आपको बार बार प्यार में डूबने के लिए मजबूर कर देगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रोमांटिक चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं जो सबसे मेन है गोवा के अंदर। चपोरा किले पर आप जाकर के सनसेट में शानदार नजारों में डूब सकते हैं, फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं। रेत पर आराम से, अगर आप बियर के शौकीन हैं तो हाथों में हाथ डाल करके रेत पर आराम से बियर लेकर के आप शेक के अंदर जाकर के लेट सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। गोवा में बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए क्लब है, जिसके मैंने कुछ नाम नीचे मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर। कुछ समय आराम करके मसाज करवाइए और अपनी शादी की सारी थकान को मिटा लीजिए। तो ये सब कुछ है गोवा में जो आप हमेशा से ढूंढते थे, आपको गोवा में मिल जाएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं, सबसे फेमस डेस्टिनेशन इंडिया में हनीमून के लिए, वो है नील आइलैंड अंडमान का। हनीमून स्टाइल क्या है? आरामदायक है, बीच है। हनीमून के लिए आपकी सबसे पसंदीदा लिस्ट में अंडमान एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। स्वर्ग जैसे बीचेस हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बीच को छूती सूर्य की किरणें, इतिहास की झलक और विश्व स्तरीय पानी के खेल अंडमान को हनीमून के लिए एक सबसे फेमस डेस्टिनेशन बना देते हैं। जब आप खिड़की के बाहर झांककर लाइट हाउस की चमक को आसपास के द्वीपों पर पड़ते हुए देखते हैं, या एशिया के सबसे अच्छे बीच की सफेद रेत के ऊपर चलते हैं, तो आपको थाईलैंड, मालदीव या मॉरिशस जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं पर सब कुछ मिलने वाला है, कहीं मत जाइए। अंडमान में यादगार पलों को संजोने के लिए हर कपल को ठहरने के लिए अच्छे से अच्छी जगह उपलब्ध है। रोमांटिक चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको हाईलाइट चीजें बता रहा हूं। खुले आसमान में तारों के नीचे बीच पर कैंडल लाइट डिनर करें। अंडमान का स्वच्छ पानी हर डाइवर का सपना है, एक साथ जाकर समुद्री जीवन को एक्सप्लोर करें, डाइविंग करें। भव्य सूर्यास्त को देखना ना भूलें, खास तौर पर बीच के पश्चिमी दिशा में, इससे सनसेट पॉइंट से दिखने वाला सनसेट। तो इन सब चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं नील आइलैंड अंडमान पर। अब चलते हैं केरल, मुन्नार। हनीमून स्टाइल इसकी है रिलैक्सिंग, पहाड़ियों में झीलों, काफी के बगान, हाउस बोट, स्पा और स्पाइस, केरल में सब कुछ है। हरे भरे चाय के बगान में साथ साथ चलते हुए ताजी हवा में खो जाएं और किसी कॉटेज में आराम फरमाएं। केरल का आकर्षण आपको बार बार यहां खींच लाएगा, क्योंकि यहां के बैकवाटर और यहां की हरियाली से आपका मन कभी नहीं भरने वाला। आइए दोस्तों, अब इसका जो रोमांटिक चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। एक शानदार स्पा सेशन लीजिए अगर आप एलेप्पी या कुमारकोम में हैं। एक हाउस बोट राइड जरूर लें,
देवदार के पेड़ों से घिरे बैकवाटर के नजारों का शैंपेन के साथ मजा उठाएं, कोई कार बाइक किराए पर लें और वायनाड की पहाड़ियों पर ड्राइव का मजा लें, चाइनीज कैटामारन के किनारे पर बैठ करके सुंदर क्षितिज पर सनसेट सूरज का आनंद लें। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं केरल में जब आप हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। धरती का स्वर्ग अगर कहीं पर है तो यही है कश्मीर के गुलमर्ग के बारे में ये कहावत है। तो अब इसको साबित करने के लिए चलते हैं, बताते हैं हनीमून स्टाइल बिल्कुल लग्जरी ऐसा नजारा जिसे देख स्विट्जरलैंड शर्मा जाए। कश्मीर को हनीमून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। अपने कमरे में आग या हीटर के सामने बैठकर ठंडे मौसम और प्राकृतिक सफेद बर्फ का मजा उठाएं और खिड़की से बाहर के अद्भुत नजारे देखें। समय निकालकर अपने जो आपका पार्टनर है उसके साथ स्थानीय खाने का स्वाद लें, बर्फीले पहाड़, फूलों से भरी वादियां, शानदार डल झील के किनारों का आनंद लें और खुद समझें कि क्यों पूरी दुनिया में कश्मीर की खूबसूरती की कोई भी तुलना नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। रोमांटिक चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। एक साथ गंडोला की सैर करें, गंडोला राइड होती है, रोप वे है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोप वे गंडोला राइड कश्मीर के गुलमर्ग में है। 14,000 फीट से गुलमर्ग को देखना एक अलग ही अनुभव होने वाला है। दो लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। बहुत ज्यादा स्नोफॉल चलती है तो लेवल 2 तक नहीं जा सकते क्योंकि सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, लेवल 1 तक ही आप जा सकते हैं, फिर भी बहुत मजा आने वाला है। गुलमर्ग की स्ट्रॉबेरी घाटी में जाएं और ताजा स्ट्रॉबेरी चखें, श्रीनगर में डल झील की सैर करें, कश्मीर की कली फिल्म के उस मशहूर दृश्य को फिर से याद करें जिसमें शम्मी कपूर शर्मिला टैगोर से शिकारे पर रोमांस करते हैं। यही वह मौका होता है जब आप फिल्मी पर्दे को असल जिंदगी में महसूस कर सकते हैं या जी सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं गुलमर्ग से होते हुए राजस्थान उदयपुर। हनीमून स्टाइल कल्चरल क्लासिक रोमांस अगर आप पसंदीद करते हैं तो इससे बढ़िया डेस्टिनेशन हो नहीं सकता। क्या उदयपुर वाकई उतना ही शानदार है जैसा फिल्मों में दिखाई देता है? जवाब है बिल्कुल हां। शानदार महल, म्यूजियम, झिलमिलाती झीलें उदयपुर को भारत की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक बनाती है। अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डाले उदयपुर की सड़कों पर घूमें, राजपूतों की शान और शौकत को महसूस करें, उदयपुर के रंग और संस्कृति में रंग जाएं। उदयपुर में करने के लिए बहुत कुछ है। शान झील पर बोटिंग कर आप इतिहास की जीती जागती तस्वीर को देखते हुए शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं हनीमून से जुड़ी एक ऐसी याद जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा है उदयपुर। क्या क्या आप रोमांटिक क्या क्या चीजें करने के लिए हैं वो बताते हैं आपको। बैकड्रॉप के ऊपर में कोई भी एक आलीशान महल चुनें और शादी के बाद की फोटोग्राफी करें। पिचोला झील पर सनसेट बोट क्रूज लें और सूर्यास्त के समय जगमगाते रास्तों का मजा लें। शहर के अनगिनत रूफटॉप रेस्टोरेंट से देखें उदयपुर का जगमग आकाश। तो दोस्तों ये मैंने आपको 5 टॉप डेस्टिनेशन टू सेलिब्रेट हनीमून इन इंडिया आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी और आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट हनीमून डेस्टिनेशन को डिसाइड करने में जो शादी के बाद आप मनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और बहुत ही अदर इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए YT भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो पुराने वीडियो को देखने के लिए YT भारत पर जाकर के सर्च करें। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। किसी का हनीमून आने वाला है या किसी की शादी होने वाली है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें, आपको बहुत सारी विशेष मिलेंगी। मिलते हैं इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।